हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि मेजरमेंट स्केल से हम कैसे मेजरमेंट करते हैं, कैसे हमें स्केल रखना चाहिए मेजरमेंट करने के लिए, कैसे हमें स्केल देखना चाहिए, कैसी हमारी पोजीशन होनी चाहिए, स्ट्रेट पोजीशन होनी चाहिए, स्केल के फ्रंट में होनी चाहिए हमारी पोजीशन, स्केल का जब एज टूटा हो तो कैसे हमें मेजरमेंट करनी चाहिए। तो वो था स्ट्रेट लाइन, जब हम मेजर करते हैं तो वो हम करते हैं स्केल से, जब कोई स्ट्रेट लाइन हो। लेकिन जब कर्व्ड लाइन हो तब हम कैसे मेजरमेंट करेंगे, तो ये टॉपिक है मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन। वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन डायरेक्टली बाय यूजिंग ए मीटर स्केल, वी कैन यूज़ अ थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ कर्व्ड लाइन। तो अब जब कर्व्ड लाइन होगी तो हम स्केल से उसको कैसे मेजर करेंगे, जैसे ये फिगर में दिखाया है, ये लाइन जो है कर्व है, टेढ़ी मेढ़ी है, तो इसको हम स्केल से मेजर नहीं कर सकते क्योंकि स्केल तो स्ट्रेट होता है, उसको हम कर्व टेढ़ा नहीं कर सकते। तो हम इसको किससे मेजर करेंगे, एक धागे से, एक थ्रेड से, किसी भी धागे से हम इसको मेजर कर सकते हैं। यूज़ ए थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ कर्व लाइन ए बी, पुट ए नॉट ऑन द थ्रेड नियर वन ऑफ इट्स एंड्स, प्लेस द नॉट ऑन द पॉइंट एंड नाउ प्लेस ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलॉन्ग द लाइन, कीप इट टॉट यूजिंग फिंगर्स एंड थंब, hold the thread at this point with one hand, using the other hand stretch a little more portion of thread along the curved line, go on repeating the process till the other end B of the curved line is reached। तो एक थ्रेड लेना है हमें, जैसे कोई कर्व लाइन होगी ए बी कर्व लाइन, उस थ्रेड को एक गांठ बांधनी है एक साइड से और उसको उस पॉइंट ए पे रख देना है। अब उस जो धागा है उसको हम धीरे धीरे खींचते जाएंगे उस कर्व लाइन की शेप में और एक साइड से उस थ्रेड को पकड़ के रखना है, स्ट्रेच करेंगे हम ताकि हम दूसरे जो बी पॉइंट है वहाँ तक पहुँच जाएं। फिगर में आप देख रहे हैं 10.10 में कैसे ये कर्व लाइन के साथ साथ जो है धागे को लेके जा रहा है। तो बी पॉइंट पे पहुंच गए हम, नाउ स्ट्रेच द थ्रेड अलॉन्ग ए मीटर स्केल, जैसे आपने धीरे धीरे कर्व लाइन से थोड़ा थोड़ा करके उसको स्ट्रेच करके धागे को एक जगह से बांध के उसको बी पॉइंट तक ले गए। तो अब उस धागे को हमने निशान रखना है कि ये धागा कितना यूज़ हुआ है उस कर्व लाइन को मेजर करने में। उसके बाद हम एक स्केल लेंगे, उस स्केल पे हम उस जो हमारे हमने थ्रेड यूज़ किया है, धागा यूज़ किया, उस हम उसको उस स्केल पे रखेंगे और देखेंगे कि उस स्केल पे उस धागे की कितनी मेजरमेंट आई है, कितना मीटर आया है या कितना सेंटीमीटर आया है। तो इससे क्या होगा, इससे हमें पता चल जाएगा जो कर्व लाइन थी उसमें कितना धागा यूज़ हुआ है, कितना सेंटीमीटर है, कितना मीटर है। तो जितना धागा उसमें यूज़ हुआ है इसका मतलब उस कर्व लाइन की लेंथ भी उतनी ही है। वी सी दैट वी नीड अ लॉट ऑफ केयर टू इंश्योर दैट वी आर मेजरिंग डिस्टेंसेज एंड लेंथ्स करेक्टली, एंड वी नीड सम स्टैंडर्ड यूनिट्स एंड डिवाइसेज विद विच वी मेजर दीज डिस्टेंसेज एंड कन्वे आवर रिजल्ट टू अदर्स। तो इसमें ये कर्व लाइन मेजर करने में आपको प्रेसिजन चाहिए, आपको ध्यान रखना है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं पे कोई धागा स्ट्रेच ना हो जाए या नॉट ना खुल जाए या आपने ढंग से पकड़ा नहीं है, तो उससे क्या हो जाएगा, मेजरमेंट गलत भी हो सकती है। तो इसको वी नीड अ लॉट ऑफ केयर टू इंश्योर दिस वी आर मेजरिंग डिस्टेंस इन लेंथ करेक्टली। तो हमें इसके लिए स्टैंडर्ड यूनिट्स भी चाहिए ताकि हम इन मेजरमेंट्स को करेक्टली मेजर कर सकें, इन लेंथ्स एंड डिस्टेंसेस को करेक्टली मेजर कर सकें और दूसरों को अपना रिजल्ट बता सकें। तो ये था कि हम कर्व लाइन को कैसे मेजर कर सकते हैं एक थ्रेड की मदद से और एक स्केल की मदद से। तो ये था आज का टॉपिक कर्व लाइन, मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए कर्व लाइन। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।